हाय हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बोया BY M1 का एक माइक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सो इसका फुल रिव्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही 5 बोया BY M1 का माइक गिवअवे करने वाला हूँ। सो आप लोगों को गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं वीडियो के बीच में ही बताऊँगा। सो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने तो सील को ब्रेक कर दिया है, तो अभी मैं इसे खोलूंगा। खोलने के बाद इसके अंदर क्या है कैसा है तो देखूंगा। सो सबसे पहले यहां पे निकाल के आते हैं बोया BY M1 का जो बॉक्स है, मेन बॉक्स वो निकाल के आता है। और यहां पे ब्रांडिंग किया हुआ है बोया BY का। सो और पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स है। सो आप लोगों को डिटेल में मैं इसे बताऊंगा और इसके अंदर क्या है देखते हैं। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक कागज़ है सिर्फ, जो अमेजन की तरफ से आते हैं, जो मैंने परचेस किया था वो लिखा हुआ है। सो गाइस, ये मेन बोया BY M1 का मेन बॉक्स है और यहाँ पे बड़ी बड़ी अक्षरों से लिखा है, मतलब ब्रांडिंग किया हुआ है। सो इसके पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स दिया है बोया BY M1 का और यहाँ पीछे इसका MRP भी लिखा है। एक्चुअल MRP यहाँ पे 2000 लिखा है, मतलब 1999 लिखा है। सो सबसे पहले इस बॉक्स को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है और उसके बाद आप लोगों को फुल रिव्यू में बताऊंगा इस माइक के बारे में। सो गाइस, यहां पे दिख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले एक पाउच आता है और पाउच के अंदर ही सभी मतलब सभी सामान पाउच के अंदर ही है और इसके साथ साथ कुछ कागज़ भी, मतलब डॉक्यूमेंट भी आया है। सो इसके अंदर और कुछ नहीं है और यहाँ को पाउच को साइड में रखते हैं, पहले डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। और इसके नीचे एक डॉक्यूमेंट है और ये वारंटी कार्ड है, इस बोया BY का कुछ डिटेल्स लिखा है। और पाउच के अंदर खोल के देखते हैं क्या क्या है। और ये लेदर का एक पाउच आता है जो कि अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले क्या आता है अंदर देखते हैं। इसके पहले कुछ सामान आता है, तो मेन माइक अभी निकाल, ये है मेन माइक। सो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक सिलिका जेल का पैकेट है। तो ये जो पाउच है, पाउच तो बहुत अच्छा है, माइक आप सेफ रहेगा इसके अंदर साइड। सो जब मैं माइक को रखूँगा तभी पता चलेगा। सो पहले माइक को देखते हैं, तो देख के तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो इसको जब मैं मोबाइल और कंप्यूटर में लगा के देखूँगा तभी पता चलेगा इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। सो आप लोगों को मैं वो तो कैसा है बता ही सकता हूँ लेकिन सुना नहीं सकता। तो इसके अंदर इसमें एक जो ये चीज़ आता है, यहाँ पर एक मतलब स्विच दिया हुआ है। तो इस पैकेट को खोल के देखते हैं और इसके अंदर कुछ सामान वगैरह आता है। तो इसके अंदर एक बैटरी आता है जो यहाँ पे मतलब लगाना है, जब इसको कैमरा मोड में ऑन करूँगा तो वो बैटरी से ही चलेगा, तो उस बैटरी को लगाना पड़ेगा कैमरा मोड को ऑन करने के लिए, क्योंकि कैमरा से मतलब पावर कंज्यूम नहीं करेगा जब उस बैटरी को मैं इस माइक के अंदर लगाऊंगा। सो आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे बैटरी आप लगा सकते हैं। इसका जो प्लस पॉइंट है वो स्प्रिंग के साइड में मिलाकर दबा देना चाहिए और दबा देने से वो मतलब बैटरी लग जाएगा। सो ये लग गया और लगने के बाद आप इसे घुमाकर मतलब टाइट कर लीजिए, नहीं तो ये खुल जाएगा। सो इसको घुमा दिया और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छा है, मेटल का है। और इसको ऑन कर सकते हैं कैमरा मोड करने के लिए और ऑफ़ कर दिया तो आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बड़ी सी जैक आता है जो मतलब एडाप्टर की तरह काम करते हैं, कुछ बड़ी मतलब जगह पे अगर मैंने इस माइक का लगाना है तो इसको इससे मतलब काम आएगा। सो इसका तो अभी मुझे कोई काम नहीं है फिलहाल। सो इसमें क्या आता है वो देखते हैं।
सो गाइस यहाँ पे पहले एक क्लिप आता है जो आप कॉलर पे लगा सकते हैं, और उसके साथ 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 ही एक मतलब नॉइस रिडक्शन के लिए आता है। ये एक नॉइस रिडक्शन के लिए आता है जो माइक के फ्रंट साइड में लगाता है। सो पहले मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। ये क्लिप है जो आप लोग मतलब कॉलर में लगा सकते हैं इस माइक को। इस क्लिप के ज़रिए आप लोग माइक को कॉलर पे लगा सकते हैं। अच्छा है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। और इसको आप लोग इस माइक के फ्रंट में लगा दीजिए, क्योंकि ये नॉइस रिडक्शन के लिए अच्छा होता है। नहीं तो आप लोगों को मतलब जो ऑडियो आएगा वो ऑडियो में मतलब शेक आएगा, इसलिए आप लोगों को इसे दिया गया है। इससे नॉइस और शेक कम आएगा। तो इसका तो ऑडियो क्वालिटी अभी मैं सुनूंगा और सुन के आप लोगों को बताऊंगा कैसा है। तो पहले मैं मोबाइल पे ही इसे लगा के रिकॉर्डिंग करके देखूंगा। ये जो 3.5 mm का जैक है, सो इसे मैं पहले मोबाइल पे लगाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को मोबाइल के ऑडियो और माइक के ऑडियो दो ऑडियो में आप लोगों को सुनाऊंगा। सो पहले मोबाइल लाते हैं और उसके बाद लगा के आप लोग आते हैं। सो गाइस अभी मैं मोबाइल पे लगा दिया इस माइक को। सो अभी ये जो ऑडियो आ रहा है ये मेरा जो बोया BY-M1 का माइक है यहाँ से आ रहा है। सो गाइस अभी जो ऑडियो आ रहा है ये मेरा रेडमी का जो मोबाइल है वहाँ से आ रहा है। फर्क समझ में आप लोगों को आ गया है शायद। सो गाइस अगर आप लोगों को बोया BY-M1 का माइक परचेस करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके आप लोग परचेस कर सकते हैं। वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी मुझे, तो आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो गाइस आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी के बारे में पता चल ही गया होगा। अगर आप लोगों को गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी वीडियो में मुझे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। और मैं गिवअवे का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करूंगा जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को मिलती रहेगी इसी तरह से नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस आज के लिए बाय बाय।